हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन में सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले आप एक लेक्चर देखे होंगे, तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, करते कैसे हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा यार। कहता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सेटेलाइट, दो सेटेलाइट है जिनकी ऑर्बिट अलग अलग है। जब कभी भी ऑर्बिट बोलेगा तो ये बात तुम हमेशा ध्यान देना, ठीक है। बच्चे इसमें क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऑर्बिट या कहाँ से हाइट लूँ, अर्थ के सेंटर से लूँ कि कहाँ से लूँ। ये अर्थ है और इसके अराउंड सेटेलाइट है, ठीक है। अब ऑर्बिट का मतलब होता है ये सेंटर से इसकी ये वाली हाइट, ये कंसिडर करना, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ से ऊपर लूँ कि ये हाइट जोड़ूँ, ठीक है। तो ये ऑर्बिट, टू सर्कुलर ऑर्बिट, ये पूरा फोर आर है ऑर्बिट, ये पूरा दैट इज ऑर्बिट, ठीक है। और एक दूसरा सेटेलाइट है जिसकी ऑर्बिट आर है, ठीक है, दैट इज आर, दैट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। रिस्पेक्ट इफ द स्पीड ऑफ सेटेलाइट ए इज 3v, जो ये सेटेलाइट है उसकी जो स्पीड है इधर की डायरेक्शन में मान लो वो 3v के इक्वल है, तो स्पीड ऑफ बी वाले सेटेलाइट की कितनी स्पीड होगी। ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड का आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला याद नहीं है तो आप उसको ग्रेविटेशन को सेंट्रिपिटल फोर्स से कंपेयर करके करोगे, तो वो एक लेंथी मेथड हो गया ना, फिर से डेरिवेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें फार्मूला याद है, हम रट के आए हैं, ठीक है, कि ऑर्बिटल स्पीड जो होता है वो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट जो होता है, ऑर्बिटल स्पीड वो होता है जीएम ओवर रेडियस ऑर्बिट, जीएम ओवर आर क्या है ऑर्बिट। अब ये कहता है कि ऑर्बिटल स्पीड पहले वाले की 3v है, तो यहां से मुझे ऑर्बिटल स्पीड जो मिलेगा वो अंडर रूट ऑर्बिट का ये मिल गया, क्योंकि जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम अर्थ का मास है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल स्पीड ए का, ठीक है, किसका पूछा है, देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ बी, तो ऑर्बिटल स्पीड बी का पहले लिख लेते हैं, आरबी से ऑर्बिटल स्पीड बी, ऑर्बिटल स्पीड ए और रेडियस ऑफ ए और ऑर्बिट ऑफ बी, ऑर्बिट ऑफ ए, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ ए इज इक्वल टू 4r है और ऑर्बिट ऑफ बी इज इक्वल टू r है, मतलब ये आ जाएगा 2r, ठीक है। आर ने आर को खत्म कर दिया, मतलब ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, अगर 2 आ गया ऑर्बिट हम लोग का आ गया 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल स्पीड अभी 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ए का कितना था 3v था, तो इसका 6v, मतलब हम लोग का जो है वो बी ऑप्शन सही है, दैट बी वन इज द करेक्ट, ठीक है ना, बी ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो बी क्लियर है। ये इसमें क्या है कि देखो कुछ नहीं है, ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल स्पीड सेटेलाइट का उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसके हाइट पे डिपेंड करता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है, और साथ साथ उस प्लेनेट की मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो ये मैन ऑफ 50 kg इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट हाइट 10 meters अबव द फ्लोर, ठीक है। अगर एक फ्लोर है, चलो मान लो एक हम लोग पास एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ठीक है, लेट अस कंसीडर एक फ्लोर है हम लोग के पास, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से, ठीक है, इस फ्लोर से आदमी जो है, ए मैन 50 kg स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट हाइट 10 meters अबव द फ्लोर, ये 10 meters हाइट है और यहाँ पर एक आदमी है यार, ठीक है, द मैन इज स्टैंडिंग हियर, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और आदमी का मास जो है वो 50 kg है, ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, देयर इज ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब ये है कि इस पर कोई ग्रेविटी नाम का कोई फोर्स लग नहीं रहा यार, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर इस पर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, तो अगर मैं ग्रेविटी को हटा दूं तो इसको मैं छोड़ूंगा यहीं पे यहीं रह जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से है, ठीक है, समझ लो ये हवा में लटका हुआ है आदमी, इस तरह से, हवा नहीं है, एयर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ही थ्रो ए स्टोन 0.5 kg डाउनवर्ड विथ स्पीड 2, अब ये आदमी क्या करेगा, एक स्टोन फेंकेगा नीचे, ठीक है, इसके हाथ में एक स्टोन है
और वो स्टोन नीचे फीका और स्टोन का मास 0.5 है और स्टोन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो डाउनवर्ड। देन द स्टोन विल रीच द फ्लोर, व्हेन द स्टोन विल रीच द फ्लोर डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर। अब आपको पता है कि अगर आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से, मान लो मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में हूँ, सेटेलाइट में हूँ, ठीक है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट में हूँ, तो अगर मैं इस पेन को इधर फेंकूंगा, ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया इस पेन पे इधर ना, तो पेन आगे जाएगा और पेन जितना फोर्स लगाएगा वो मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये आदमी बॉल को नीचे फेंकेगा तो आदमी ये ऊपर जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो अगर मान लो जब बॉल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब बॉल, जिस बॉल को फेंका था वो बॉल यहाँ आ गया, तो ये इनिशियल पोजीशन है और आदमी यहाँ चला जाएगा, ठीक है, आदमी जैसे ही बॉल फेंकेगा आदमी इधर जाएगा, बॉल नीचे आएगा, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आदमी की हाइट निकालनी है फ्लोर से, आदमी की हाइट निकालनी है फ्लोर से, ठीक है, दिस इज द मैन। तो आदमी की हाइट अगर मैं फ्लोर से निकालूं प्यारे बच्चों, तो ये मैं मान लेता हूं x है, ठीक है, और यहां ओरिजिन सेट कर देता हूं 0,0,0, ठीक है। तो आप इसको सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास अपना पाथ मोशन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए होंगे सेंटर ऑफ मास में। तो इसका एक्चुअल, जब ये दोनों इसके यहाँ पढ़ते हैं, तो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, तो एक्स सी एम इनिशियली एक्स सी एम ओरिजिन पे था 0,0, ये सर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर था। उसके बाद जब इसको फेंका तो सेंटर ऑफ मास अभी भी ये मान लो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, लेकिन अब लिखोगे फार्मूला m1x1 + m2x2 होता ना, लिखे हो, और डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो इनिशियल सेंटर ऑफ मास है, फाइनल सेंटर ऑफ मास ये इक्वेशन बना। तो अब मैं इसकी वैल्यू डालूं तो m1, मैं ऊपर पॉजिटिव ले लेता हूं, तो आदमी का मास कितना है 50 kg, आदमी ऊपर गया x, ठीक है, बॉल नीचे आया कितना, बॉल का मास है 0.5 और बॉल नीचे आया x कोऑर्डिनेट 10 नहीं -10 ना, बॉल नीचे आया -10 क्योंकि ऊपर मैं पॉजिटिव ले लिया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस, तो 50 और प्लस 0.5, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इक्वेट इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट कर दोगे, तो ये जीरो हो गया, ये 50 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस ये 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0.1, मतलब जो आदमी है वो 0.1 मीटर ऊपर गया होगा इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल से 0.1, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछा वो फ्लोर से पूछा प्यारे बच्चों, यहाँ से पूछा है फ्लोर से आदमी कितना ऊपर है, तो फ्लोर से तो 10 मीटर पहले था और 0.1 मीटर ऊपर गया, तो फ्रॉम फ्लोर तो फ्लोर से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्लोर से आ जाएगा वो 10 + 0.1, दैट इज 10.1 मीटर द फाइनल सोल्यूशन है, फ्लोर से 10.1, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलो ये कहता है फिगर शो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास अराउंड द सन, अगर ठीक है एक प्लेनेट है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, ठीक है, शेडेड एरिया, दो एरिया आपके पास है, एक सी कहाँ गया यार, SCD एंड ट्वाइस एरिया SAB, दो एरिया आपको दिखाया गया है, T1 इज द टाइम मूव टू प्लैनेट C से D तक, मतलब ये एरिया स्वीप करने में, ये एरिया स्वीप करने में, ये एरिया कवर करने में प्लेनेट को टाइम T1 लगा, और ये एरिया कवर करने में टाइम T2 लगा, और ये एरिया, अगर ये एरिया A है तो ये एरिया 2A है, डबल है इसका, ये एरिया अगर A है तो ये जो एरिया है वो 2A है क्वेश्चन के कंडीशन से। तो T1 T2 में रिलेशन निकालना है। आपको पता होगा केपलर थर्ड लॉ पढ़े होंगे कि जब प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में, केपलर का लॉ है सेकेंड लॉ,
ठीक है, जब प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? एरिया स्वीप पर यूनिट टाइम रिमेंस कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी दैट इज डी ए ओवर डी टी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एरिया स्वीप कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया स्वीप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ए वन बाई टी वन इज इक्वल टू ए टू बाई टी टू इज इक्वल टू ए थ्री बाई टी थ्री, आप कितना भी लगा लो दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है। तो एरिया स्वीप आउट कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब अगर कितना भी आप ले लो, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम टी वन लगा, एरिया ए हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कुछ लगा हो गया, एरिया स्वीप ए हुआ, तो इन चारों के लिए एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये केप्लर्स सेकेंड लॉ होता है कि एरियल वेलोसिटी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है तो दोनों में टाइम सेम लगा होगा यार, ठीक है। तो अब एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। दो दो एरिया के लिए लगाते हैं, पहले वाले की एरिया ए है, ठीक है, पहले वाले के लिए एरिया ए है और इसमें टाइम टी टू लगा, दूसरे वाले के लिए एरिया ए टू ए है, इसमें टाइम टी वन लगा, इसका मतलब टी वन इज इक्वल टू टू टी टू, ठीक है ना। तो टी वन इज इक्वल टू 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 टी वन टी टू, ठीक है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो वहाँ दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे जो मेस में खाना हम लोग को खिलाते थे, तो उनका हम लोगों का नाम रखे थे टी वन टी टू, ठीक है। एक वेरिएबल का नाम, एक बच्चे का नाम वेरिएबल असाइन कर दिए थे टी वन, दूसरे का नाम रख दिए थे टी टू। तो टी वन टी टू इज वेरी फेमस नेम फॉर मी। तो टू सेटेलाइट एस वन एंड एस टू, दो सेटेलाइट है और एक का नाम एस वन है और एक का नाम एस टू है, मूविंग इन द सेम ऑर्बिट, द मास ऑफ एस वन इज फोर टाइम्स एस टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़े हो, कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो हम लोग के पास दो सेटेलाइट है लेकिन दोनों के मास अलग अलग है, फोर टाइम्स है यार, ठीक है। एस वन एंड एस टू आर मूविंग, एस वन इज फोर टाइम्स देन एस टू। चलो इधर मैं आपको समझाता हूँ और एक एक हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन, ठीक है। ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड दो दो सेटेलाइट है आर मूविंग सेम ऑर्बिट। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है कि ऑर्बिट सेम है और इस ऑर्बिट में दो सेटेलाइट है, एक सेटेलाइट एस वन है और दूसरा सेटेलाइट एस टू है। इसका मास जो है वो 4m है और इसका मास m है, ठीक है, 4 times m है, क्लियर है। अब इसमें से ऑप्शन चेक करो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ एंड सेटेलाइट इन द टू केसेज आर इक्वल। बिल्कुल गलत बात, पोटेंशियल एनर्जी जब दो पार्टिकल की लिखा जाता है ग्रेविटेशन में तो क्या होता है? माइनस जी एम वन एम टू ओवर इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है। अगर एक अर्थ हो गया और एक सेटेलाइट हो गया तो इन दोनों के मासेज अलग होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम थोड़ी होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू आर होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एस वन एज मूविंग विथ सेम स्पीड, S1 और S2 की स्पीड सेम होगी। स्पीड कौन सी स्पीड होती है भाई? ऑर्बिटल स्पीड होती है। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? रट लिए हैं हम, gm ओवर ऑर्बिट का डिस्टेंस, gm ओवर r, r जो है ऑर्बिट का डिस्टेंस है, ठीक है। या कभी कभी आप ऐसे भी लिखते हो, gm इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, h सरफेस से हाइट है, r रेडियस है, सेटेलाइट बहुत क्लोज है तो gm ओवर r। तो ये ऑर्बिटल स्पीड, हम सबको पता है कि ऑर्बिटल स्पीड सेटेलाइट का सेटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। एक ऑर्बिट में, ठीक है, मतलब एक ही ऑर्बिट में, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऑर्बिट में मैं बड़ा सेटेलाइट रखूं, छोटू सेटेलाइट रखूं, ठीक है, बहुत बड़ा रखूं, तो उसे ऑर्बिटल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सेटेलाइट, दैट इज बी ऑप्शन सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सेटेलाइट आर इक्वल, क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा? बिल्कुल गलत बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, बॉडी की मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, गलत बात, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ एस वन एंड फोर टाइम्स ऑफ एस टू, टाइम पीरियड, ठीक है, हम सबको पता है कि टाइम पीरियड के प्लस प्लस टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जो होता है, जब टाइम पीरियड वैसे भी यार टाइम पीरियड इज इक्वल टू
2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड टाइम पीरियड एक साइकिल में 2 पाई आर डिस्टेंस चला और ऑर्बिटल स्पीड, तो टाइम पीरियड ऑर्बिटल स्पीड मास पे इंडिपेंडेंट है, तो टाइम पीरियड भी मास पे इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अज्यूम अर्थ टू बी स्पीयर ऑफ रेडियस आर। चलो अर्थ को हमने एक सॉलिड होमोजीनियस स्पीयर शुरू में ही ग्रेविटेशन में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिए थे, तो अर्थ इज अज्यूम सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर, ए प्लेटफॉर्म अरेंजेड हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अब अगर मैं अर्थ को यहाँ अज्यूम कर लूँ एक सॉलिड स्पीयर, चलो मान लिया मैं अर्थ को एक सॉलिड स्पीयर, और यहाँ से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कुछ यच हाइट के ऊपर, यहाँ से प्लेटफॉर्म बनाया गया, दिस इज हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये एच हाइट पे हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक प्लेटफॉर्म बनाया। अब मैं एच हाइट पे प्लेटफॉर्म बनाया, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी बॉडी को एस्केप कराऊंगा, मान लो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर एस्केप करा दिए, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो vf है, ठीक है, vf है, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ से एस्केप करा दो, एस्केप क्या कराने का क्या मतलब होता है, जब कभी भी हम अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो इसमें तीन केसेस होता है, ठीक है। केसेस देखो कितने कितने केस होते हैं, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूँ तो हो सकता है ये नीचे आ जाए, हो सकता है ये इन्फिनिटी पे चला जाए, हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके भी मोशन करे, ठीक है, इंटर स्पेस पे मोशन करे, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये नीचे आ जाए, हो सकता है जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए जहां पोटेंशियल काइनेटिक जीरो हो जाए, हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके वहां भी घूमता रहे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कितनी वेलोसिटी से फेंकते हो, तीन वेलोसिटी यहाँ है, इसके लेस देन इसके वेलोसिटी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू इसके वेलोसिटी जस्ट टू रीच द इंफिनिटी, एंड ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी इंफिनिटी पे जाके भी घूमेगा, मस्ती करेगा वहां, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसको जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचा देना यार बस, ठीक है। तो हमें निकालना है इसके एफ की वैल्यू, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये मान लो आपको पता ही नहीं कि एच हाइट से इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता, आपको ये तो पता होगा भाई यहाँ से इसके वेलोसिटी अर्थ से सरफेस से इसके वेलोसिटी क्या होती है, 2gm ओवर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये होता है। अब आपको नहीं पता है कि एच हाइट से इसके वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, तो आप क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, कहाँ कहाँ, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कराओगे और इन्फिनिटी में एनर्जी कंजर्व कराओगे, तब आपको यहाँ इसके वेलोसिटी पता चलेगा यार, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है जो जिसको अच्छे से पढ़ाया गया है और उसने पढ़ा है और उसको ये बात पता है कि एच हाइट से इसके वेलोसिटी जो होती है, इसके वेलोसिटी होती है वो 2gm r प्लस एच के इक्वल होती है, ये दोनों इसके वेलोसिटी, एच हाइट से जी एम आर प्लस एच होता है, सरफेस इसके वेलोसिटी अर्थ के इतनी होती है। तो वी डैश की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि वी एफ के इक्वल है, ये वी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोगों का टारगेट है एफ की वैल्यू निकालना, तो चलो एफ की वैल्यू निकालना, और ये हाइट जो है रेडियस के इक्वल है, दैट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 2gm इज इक्वल टू आर प्लस एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। या नहीं तो और आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स करें हम लोग, R और H आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2gm इज इक्वल टू 2r अंडर रूट इज इक्वल टू vf, ठीक है, R और H हाइट इक्वल है, तो 2 ने 2 को, इसका मतलब ये हुआ कि gm ओवर r अंडर रूट इज इक्वल टू vf, और gm ओवर r किसके बराबर है, gm ओवर r ये v के भी इसके वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट जी एम ओवर आर, यहाँ से अब यहाँ से यूज कर लो, यहाँ से हम वैल्यू यूज कर लेते हैं कि वी इज इक्वल टू,
यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू है रूट टू जी एम ओवर आर अंडर रूट, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। तो जी एम ओवर आर जो है v बाई रूट टू हो गया, v बाई रूट टू हो गया। तो फाइनली जो सोल्यूशन बना ये v बाई रूट टू हो गया और ये आ जाएगा v अपन f, तो v ने v को, तो f की वैल्यू 1 बाई रूट टू आ जाएगी, दैट इज द f, ठीक है। द प्रोजेक्शन फ्रॉम द h हाइट, इसके वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, 1 बाई रूट टू इसका सोल्यूशन सही है, दैट इज c ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि नया क्वेश्चन करते हैं, न्यू प्लेनेट है, चलो नया प्लेनेट डिस्कवर हुआ है, न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज द अर्थ, मतलब दोनों की अर्थ और अर्थ से कंपेयर करो, जो नया प्लेनेट डिस्कवर हुआ है उसका अर्थ से कंपेयर करने में सेम डेंसिटी पाएगा, बट इट 3 times बीगर देन द अर्थ इन साइज, बीगर देन अर्थ इन साइज। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, बीगर इन अर्थ मतलब रेडियस, ठीक है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यू प्लेनेट जो है वो 3 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, इन दोनों की डेंसिटी इक्वल है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी लो, तो उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू जी डैश है, तो जी डैश और जी में रिलेशन निकालना, किसी भी प्लेनेट पे इस यूनिवर्स में जी की वैल्यू इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट होती है, ठीक है, जी एम ओवर आर अंडर रूट होती है अर्थ के सरफेस पे। तो अब जी एम जी ओवर आर, इसका मतलब ये हुआ मास को डेंसिटी के टर्म में लिखें, क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म में बात कर रहा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, मतलब आर ने आर को आर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो है जी, इसका मतलब ये हुआ 4/3 जी एम आर स्क्वायर होता है भाई, ये आर स्क्वायर होता है, तो ये आर आ जाएगा, ठीक है, आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी इज प्रोपोर्शनल टू रो, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट है यार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश अपान जी इज इक्वल टू 3 R अपान R, इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश इज इक्वल टू 3G, ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू 3G, दैट इज डी ऑप्शन सही है। कहता है सेटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, आपको पता होगा कि आप फार्मूला याद किए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है जी एम एम ओवर 2R, या आप ऐसे भी पढ़े होंगे जी एम एम ओवर 2R प्लस H, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस जी एम एम ओवर R, ठीक है, या जी एम एम, याद है ना फार्मूला, इज इक्वल टू आर प्लस एच, एच हाइट पे सेटेलाइट, एच हाइट पे, ठीक है, ये दो। अब इन दोनों को रेशियो निकालना, वैसे एक बच्चा जिसको ये रिलेशन डायरेक्ट याद है उसको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मॉड डिवाइडेड बाई 2, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये हुआ रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल जब देखोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, तो 1/2 आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है और बार बार ये आता है यार, ठीक है। चलो, कहता है डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट द अर्थ, ठीक है। अब देखो, एक हम लोगों के पास एक नया प्लैनेट मिल गया जिसकी डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 2 times डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस प्लैनेट इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जी उस प्लैनेट पे और जी अर्थ पे, ये दोनों इक्वल है और इन सबको मैं जी बोल देता हूँ, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, अगर अर्थ की रेडियस आर है तो उस प्लेनेट की रेडियस निकालनी है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज आएगा भाई, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो हम सबको पता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म में बात कर रहा है, तो मास को मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, मास को तोड़ दो 4/3 पाई आर क्यू और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी रो,
इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या रेडियस निकालना है और जी दोनों पर इक्वल है और डेंसिटी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी दोनों पर इक्वल है तो रेडियस और डेंसिटी, रेडियस और आपस में डेंसिटी कैसे रिलेटेड है, तो दैट इज आर, ठीक है, दैट इज आर। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, G इक्वल है, पाई इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ रो लो, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट टू रो ले, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, इट इज अ वेरी इजी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कहता है टू स्फीयर है, एक बड़ा एक छोटा है, आर सिचुएटेड इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एफ है। चलो दो स्फीयर है हम लोग के पास, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर ए है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, अगर मास है तो अट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों में अट्रैक्शन एफ हो रहा है। अब कहता है स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी थ्री, इनके बीच का स्पेस एक लिक्विड से फिल कर दो यार, फिल द लिक्विड स्पेस बिटवीन दी, क्या एफ बदल जाएगा, अगर बदल जाएगा तो कितना होगा। दो मास थे, एक दूसरे को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो उस अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए मैंने इनके बीच एक लिक्विड फिल कर दिया, तो क्या अब फोर्स कौन कितना होगा वो हमें निकालना। तो आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो कि यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है, जब तक इनके मास नहीं चेंज होते हैं और डिस्टेंस नहीं चेंज होगा तब तक वो फोर्स नहीं बदलता है, मीडियम पे इनडिपेंडेंट होता है, बाहर इनको वैक्यूम में रख दो, पानी में डुबा दो, किसी दूसरे प्लेनेट पे लेके चले जाओ, जब तक तुम इनके मास नहीं बदलोगे, सेपरेशन नहीं बदलोगे, तब तक इनके बीच का अट्रैक्शन नहीं बदलेगा यार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो फाइनल सोल्यूशन है दैट इज बी ऑप्शन सही है, द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ठीक है। तो अभी भी है ना, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए इज 9 टाइम्स दैट इज प्लेनेट ऑन बी, दो प्लेनेट है हम लोगों के पास, चलो लेट अस सपोज कि दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट को मैं ए बोलता हूँ और दूसरे प्लेनेट को मैं बी बोलता हूँ, ठीक है, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए इज 9 टाइम्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9 टाइम्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट बी इस पे, ठीक है, अगर इस पे जी है तो इस पे 9g आ जाएगा, इस पे जी भी मान लो, चलो यहाँ तक तो ठीक है। कहता है मैन जंप हाइट 2 meters ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट ए, अब एक आदमी इस प्लेनेट पे कूदेगा, जंप करेगा, ठीक है, तो जंप करता है तो कितने हाइट तक जंप करता है, बोलो 2 meters तक जंप करता है। अगर मैं ऊपर कूदता हूँ, देखो अगर मैं ऊपर कूदूँ तो मैं कुछ हाइट तक जाऊँगा, फाइनली मान लो यहाँ तक गए और फिर नीचे आ जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे जंप कर गया कि दूसरे प्लेनेट पे चला गया, ऐसा नहीं है ना। अगर ये जंप करेगा ऊपर तो ये नीचे भी आएगा यार, ऐसा थोड़ी है कि जंप करेगा हवा में रह जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो जब ये नीचे आएगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब जो जिस वेलोसिटी से हिट करेगा, यूं समझ लो कि जिस वेलोसिटी से हिट करेगा वो जो, या ऐसे समझ लो कि इस आदमी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो अब अगर ये आदमी दूसरे प्लेनेट पे चला जाता है, इमेजिन कर लो कि ये आदमी दूसरे प्लेनेट पे चला गया, तो इस आदमी की जो कूदने की जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी से यहाँ कूद रहा था उतनी एनर्जी से यहाँ कूदेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी यार, ठीक है, बस ये कि ग्रेविटी बदल गई यार। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो यहाँ एच डैश कूदता है, ठीक है, जंप करता है एच यहाँ पे और यहाँ पे टू किया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पे भी रहेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू बी उस आदमी का, ठीक है, क्योंकि आदमी सेम है, अगर दूसरा आदमी आ जाए बहुत दुबला पतला जाए आ जाए,
ठीक है, वो 2 मीटर नहीं कूदेगा, कुछ और कूदेगा और यहाँ भी कुछ और कूदेगा, बट आदमी वही है यार, उसके पास जितनी एनर्जी थी वो कूदने की वो इतनी एनर्जी है। तो ये व्हाट इज द हाइट जंप ऑन द सेम, इस पे हाइट निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, तो एम जी एच ऑन प्लेनेट ए मस्ट बी इक्वल टू एम जी एच ऑन प्लेनेट बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ने मास को आदमी वही है और जी नाइन 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 जी और हाइट 2 मीटर और ये जी और हाइट ऑन द प्लेनेट बी, इसका मतलब जी ने जी को ख़त्म कर दिया, तो वो प्लेनेट बी पे 18 मीटर तक कूदेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेनेट बी पे ग्रेविटी कम है, तो ग्रेविटी कम है क्योंकि इसलिए उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होगी यार, अगर आदमी 2 मीटर यहाँ कूदता है तो प्लेनेट बी पे कम ग्रेविटी होने की वजह से वो 18 मीटर ऊपर कूदेगा। ठीक है, अगर ग्रेविटी 0 कर दोगे तो यहाँ से कूदेगा इन्फिनिटी को चला जाएगा, वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो, ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस विच इज टेकन फ्रॉम द हाइट 3r देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो मैं बार बार करता हूँ कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और आप मॉड्यूल करी किए होगे, क्वेश्चन किए होगे, तो ये जब कभी भी हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसको करने के आसान तरीका बताया हूँ। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कुछ है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कुछ है, तो एक तरीका यह है कि इन दोनों पॉइंट पे लिखो और डिफरेंस ले लो, जिसको चेंज वाला फार्मूला नहीं आता वो डिफरेंस लेगा और वो अपना टाइम बर्बाद करके चला आएगा रोता हुआ। ठीक है, अब एक अच्छा स्मार्ट वाला बच्चा है जो रैंकर है, उसको पता है कि इस पॉइंट पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले से याद करके गया है, एम जी एच 1+H/R होता है। ठीक है, ये सिलेक्शन वाला बच्चा है, और जिसको नहीं है वो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा, यहाँ लिखेगा, दोनों को घटाएगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर यही आएगा। और एक बच्चा फार्मूला याद करके गया कि अर्थ के ऊपर ले जाओगे, अगर हाइट बहुत छोटा होता है, हम सबको पता है एच इज वेरी वेरी लेस देन हाइट, मतलब अपने घर से ग्राउंड से छत पे आ गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है, एच बहुत कम हो गया, आर बहुत अप्रॉक्सीमेटली 0 चला गया, तो एम जी एच होता है, जो कि हमें पहले से याद है, 9-10 में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो एक बच्चा है जो ये हाइट ये फार्मूला याद करके गया, तो वो लिखेगा पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू एम जी, कितना ऊपर लेके गए हो भैया, 3R और नीचे इज इक्वल टू 4R। ठीक है, तो 3H की वैल्यू 3R रखोगे, RR को 4R, मतलब 3/4, मतलब सी ऑप्शन सही है, वो एक लाइन में लगा देगा। और जिसको नहीं ये फार्मूला याद है, लिखो यहाँ पर, लिखो वहाँ पर, लिखो दोनों को माइनस करो। ठीक है, चलो, कहता है व्हाट बी द वेलोसिटी पार्टिकल प्रोजेक्टेड सो दैट हाइट बिकेम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो ये भी एक सुंदर सा अच्छा सा प्रॉब्लम है, अगर आप किए होगे ग्रेविटेशन, थोड़ा सा भी डेप्थ में आपको पढ़ाया गया होगा तो पढ़े होगे कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर मैं इसको वी वेलोसिटी से फेंकता हूँ और वो वेलोसिटी लेस देन स्केप वेलोसिटी है, तो बॉडी तो आएगी, वापस आएगी रिटर्न करके यार, तो ये कहीं मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी और ये हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, अगर इसको एस्केप के बराबर फेंकोगे तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं यार, पहला तरीका ये है कि एक बच्चा जो फार्मूला याद करके गया है इसको डेरिवेशन वाला जो कराया गया होगा आपको, दूसरा है एनर्जी कंजर्व कराएगा। ठीक है, एनर्जी अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो वो लिखेगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखेगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखेगा और इन दोनों को इक्वेट करेगा, टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखेगा, टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखेगा, उन दोनों को इक्वेट करेगा, फिर सॉल्व करेगा। और ये हाइट कितना है, वेलोसिटी हाइट बिकेम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये हाइट रेडियस। तो पहला तरीका मैं पहले वाले तरीके से करता हूँ, फर्स्ट मेथड है कि जो बच्चा स्मार्ट है फार्मूला याद करके गया है वो उसको पता है कि वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम, इस केस में अगर मैं लेस देन फेंकता हूँ इसके वेलोसिटी से कम है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 2gh और 1+H/R अंडर रूट होती है, ये वो बच्चा जिसको फार्मूला याद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2gr और यहाँ r रखोगे तो 2r। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ने 2 को, मतलब gr अंडर रूट, और जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो जी एम ओवर आर स्क्वायर मतलब ये
जी की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है, तो जी एम मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये वो बच्चा है जिसको ये फार्मूला याद है मैक्सिमम हाइट का जब लेस देन स्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होती है। और एक बच्चा जो इसको फार्मूला याद नहीं है तो वो कैसे करेगा, देखो वो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कराएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी लिखेगा, क्या लिखेगा, मान लो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम और आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पे एनर्जी लिखेगा तो टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी क्या है बोलो, यहाँ पे टोटल फाइनल एनर्जी पोटेंशियल गया जी, काइनेटिक गया जीरो, पोटेंशियल गया जी एम एम और कितना हाइट ऊपर गया आर प्लस आर, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेगा और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा उसके बाद मैक्सिमम क्या निकालना, वेलोसिटी वी निकालेगा, तो इक्वेट कर दो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर टू आर, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एम ने एम को और टू से मल्टीप्लाई कर दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम ओवर आर और माइनस जी एम ओवर टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अरे भाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उड़ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एम ओवर आर, ठीक है, वन बाई टू दैट इज वेलोसिटी भी, ठीक है। तो ये भी सही है कि ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और जो फार्मूला याद किया मैक्सिमम हाइट का लेस देन स्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होती है, ठीक है, तो वो ये दोनों से कर सकते हो। हमें टाइम बचाना है, ये बात हमेशा याद मन में बैठा लेना, हमें टाइम किल नहीं करना। जो टाइम किल करेगा, जो टाइम बर्बाद करेगा, वो भैया उसका नीट हो गया, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया, वो प्राइवेट में जाएगा, करोड़ों रुपए देगा, ठीक है, तब जाके वो एमबीबीएस करेगा। ए प्लेनेट हैविंग इक्वल मास रेडियस ऑफ बट हाँ ए प्लेनेट हैविंग सेम मास दैट अर्थ, अर्थ और प्लेनेट का मास सेम है बट रेडियस इज फोर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। चलो एक प्लेनेट है, मास ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज फोर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। कंडीशन लिख लो फोर, नहीं नहीं मास ऑफ, बट द रेडियस इज वन फोर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअली वन फोर्थ रेडियस ऑफ अर्थ ना, तो ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लेनेट वो वन फोर्थ है, ठीक है, तो वन फोर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर है। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कहता है इसके वेलोसिटी फॉर दिस प्लेनेट, उस प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी निकालो जिसका ये डेटा अर्थ के कंपेयर में है। तो अर्थ के अर्थ के सरफेस पे इसके वेलोसिटी क्या होती है बोलो, अर्थ के सरफेस पे इसके वेलोसिटी होती है जी एम ओवर आर, टू जी एम ओवर आर, और ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में इतना आता है, ठीक है, वैक्यूम में थ्योरेटिकली इतना आता है, पर प्रैक्टिकली एयर होता है और इससे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो थ्योरेटिकली इतनी है पर, ठीक है। अब नया प्लेनेट जो हुआ है उसके लिए इसके वेलोसिटी निकालना, तो नए प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी क्या होगी, तो फॉर न्यू प्लेनेट के लिए, न्यू प्लेनेट के लिए जो इसके वेलोसिटी होगी उस प्लेनेट के लिए 2g मास ऑफ दैट प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, तो मास ऑफ दैट प्लेनेट 2gm और उस रेडियस, उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो 1/4 है, ठीक है, मतलब ये 4 ऊपर चला गया और ये रेडियस नीचे रह गया, इसका मतलब ये हुआ 2 टाइम्स इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और 2 टाइम्स इसके वेलोसिटी मतलब 11.2 मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, 22.4 किलोमीटर। ये उस प्लेनेट के लिए है जिस प्लेनेट का ये डेटा है, ठीक है, ज़्यादा होगा, ये बी ऑप्शन सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड, इसमें से प्रोसेस है, ठीक है, अगर आप इसको समझ नहीं पाते तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो कि किस स्टायरिंग, किस में ग्रेविटेशन की जरूरत होगी, स्टायरिंग ऑफ लिक्विड, स्टायरिंग मतलब क्या होता है, हिलाना यार, ये लिक्विड को अगर हिलाओगे ऐसे स्टायरिंग, ठीक है, जैसे मान लो
ये बोतल है, इस बोतल में लिक्विड है, अगर ग्रेविटी नहीं भी हो ना, ग्रेविटी नहीं भी हो तो भी मैं यहाँ पानी गिरा दूंगा ना और उसको ऐसे कर दूंगा तो भी ऐसे ऐसे बिखर जाएगा, ठीक है, तो स्पेस में बिखर जाएगा। तो स्टायरिंग आप लिक्विड के लिए जैसे सेटेलाइट में होता है, ठीक है, तो सेटेलाइट में कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन हो, ठीक है, ग्रेविटेशन नहीं भी हो तभी भी स्टायरिंग कर सकते हो। चलो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन एक मेथड होता है हीट ट्रांसफ़र का, जिसमें जो अगर ये कंटेनर है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, एक कंटेनर है, अगर हम चाय बनाएं और यहाँ से हम हीट एनर्जी देते हैं, वी गिव द हीट एनर्जी फ्रॉम हियर, और यहाँ से अगर मैं हीट एनर्जी देता हूँ, ठीक है, हीट एनर्जी देता हूँ, तो लिक्विड जो कन्वेक्शन होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो गर्म होके ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ जगह खाली हो जाती है, एम्प्टी स्पेस हो जाता है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी की वजह से जो हैवी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो इस जगह को भर लेते हैं और इस तरह से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जो यहाँ जिसको हीट मिली वो गर्म हो गया, ऊपर चला गया, इसलिए जब हम हीट यहाँ से देते हैं तो टॉप के मॉलिक्यूल सबसे हॉट वाले होंगे यहाँ, ठीक है, और उनकी डेंसिटी कम होगी, इधर डेंसिटी हाइयर होगी, ठंडे वाले इधर रहते हैं, और जो मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है वो ग्रेविटी की वजह से ही तो आ रहा है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेविटी नहीं है तो कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है, वो नीचे आएगा ही नहीं यार, है भी, ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशन की तो हमें जरूरत है। कंडक्शन, कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हीट पड़े हो ना यार, वाइब्रेशन है ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स और ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। तो इसमें रेडिएशन देखते ही, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू अर्थ सरफेस, सन से अर्थ के सरफेस पे जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ग्रेविटेशन नहीं हो तभी भी इसे हीट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, तो कन्वेक्शन तभी पॉसिबल होता है जब ग्रेविटी हो, मतलब अगर सेटेलाइट हो, ठीक है, उस सेटेलाइट में, ठीक है, ग्रेविटी नहीं हो तो ये जो ऐसे गर्म नहीं कर सकते, मेथड बदलना पड़ेगा आपको, कन्वेक्शन नहीं यूज कर सकते। चलो ये कहता है एक बॉडी है जिसकी वेट 72 न्यूटन मूव फ्रॉम द सरफेस टू हाइट रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट, कहता है एक बॉडी है जिसका वेट 72 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये 72 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पे, वेट मतलब होता है mg, अर्थ के सरफेस पे इसकी वेट इतनी है, एंड हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, आधा ऊपर ले जाता हूँ अर्थ के सरफेस से, दैट हाइट हाफ ऑफ द रेडियस, तो यहाँ पर वेट w' हो गया होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वेट कम होगा, तो ये कभी भी किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, CND कैन नेवर बी करेक्ट, बिकॉज पहले जो वेट था, नहीं पहले जो वेट था 72 होता तो वो कम ही होगा, तो ये सी ऑप्शन कभी नहीं सही होगा, और ये इसके चांस ये कम है ना, तो ये हो सकता है। चलो अब करके देखते हैं एग्जैक्ट कौन सा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेट होगा वहाँ पर वेट होगा वेट w' उसको मैं लिख सकता हूँ mg', ठीक है, और g' की वैल्यू h हाइट पे कितनी होती है, वो होती है g r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर। हमेशा याद रखो जब कभी भी ग्राउंड से h हाइट वाला फार्मूला लगाओगे तो हम सबको पता है कि ऊपर जाने के दो फार्मूले होते हैं, एक बहुत ही कम अर्थ के सरफेस पे जिसका फार्मूला होता है g' = g1 - 2h/r, ये कब लगता है, जब हाइट बहुत ही कम है, और ये जब हाइट रेडियस से अधिक है या रेडियस के बराबर है या रेडियस के कंपेरेबल है, तो हाइट ज़्यादा भाई तो यही लगाऊंगा, तो g' = mg और r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है, r प्लस h का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि w' = w mg ऑन द अर्थ और r प्लस h का स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 4/9 और मल्टीप्लाइड बाई 72, 8 9 72 और 8 4 32, ठीक है, 22 न्यूटन
22 न्यूटन, दैट इज सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये हमने ग्रेविटेशन में किया क्वेश्चन। इसके आगे एक और छोटा सा लेक्चर देंगे जिसमें हमने 2000 तक किया। अब इससे पास्ट वाले जो क्वेश्चन करेंगे 2099 से लेके 90 तक। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहो, साथ साथ अपने आप को कभी भी निगेटिव जो थॉट आते हैं उनसे अवॉइड करो, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो। और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब तुम काम अच्छे से करो यार। यू वर्क, जो तुम्हें काम है वो अच्छे से करो तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, और आप सक्सेस की डायरेक्शन में मूव करते हो। थैंक यू, बाय बाय।